रिलेशनल स्ट्रेस। आज हम देखेंगे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। हम सबको पता है कि हर एक इंसान की शारीरिक रचना जो है वो अलग अलग है और हर किसी में कोई ना कोई चीज की खासियत होती है। कोई लंबा होता है तो कोई मोटा, कोई पतला होता है तो कोई छोटा। उसी को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि शारीरिक रचना या फिर शारीरिक खासियत। इन्हें कहा जाता है किशोर या फिर किशोरावस्था, जो कि 12 से 20 साल के बीच में आने वाले व्यक्ति होते हैं। उन्हें इंग्लिश में कहते हैं टीनेजर। टीनेजर मीन्स किशोरावस्था या फिर किशोर व्यक्ति। इन्हें कहा जाता है जवान, जो कि 20 से 35 या 39 साल तक होता है। उन्हें कहते हैं जवान यानी कि यंग। यंग मीन्स जवान व्यक्ति। और इन्हें कहा जाता है मध्यवय। मध्यवय यानी कि मिडिल एज। मिडिल एज जो कि होता है 40 से 60 साल के बीच में, तो इसे कहते हैं मिडिल एज। और इन्हें कहा जाता है बुढ़ी या फिर बुढ़ा आदमी जो होता है, या फिर बुढ़े व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड। ओल्ड मीन्स बुढ़ा। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मजबूत यानी कि वेल बिल्ड। वेल बिल्ड जैसे कि किसी किसी की जो शारीरिक रचना होती है वो मजबूत होती है, वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वेल बिल्ड। तेरा पतले लोगों को हम कहते हैं थिन। थिन यानी कि पतली या फिर पतला। अगला है गोल मटोल। गोल मटोल इंसान को कहेंगे चबी। चबी मीन्स गोल मटोल। और इन्हें कहा जाता है मोटा। मोटा मीन्स फैट। फैट यानी कि मोटा। इसे कहेंगे छरहरा। छरहरा यानी कि स्लिम। स्लिम छरहरा यानी कि स्लिम। और इन जैसे व्यक्ति को कहते हैं कटीला मीन्स स्टॉकी। स्टॉकी यानी कि कटीला। और ये है दुबले पतले इंसान। दुबले को कहा जाता है स्किनी। स्किनी यानी कि बहुत ही पतला या फिर बहुत ही दुबला। अगला है अंडाकार चेहरा। अंडाकार चेहरा यानी कि ओवल फेस। ओवल फेस यानी कि किसी किसी का जो चेहरा होता है वो अंडाकार रहता है, तो उन्हें हम कहते हैं ओवल फेस। उसी तरह गोल चेहरे के इंसान को कहते हैं हम राउंड फेस। राउंड फेस यानी कि गोल चेहरा। और इन्हें कहा जाता है चौकोर चेहरा। किसी किसी का जो चेहरा होता है वो थोड़ा सा चौकोर रूप में होता है, तो उसे हम कहते हैं स्क्वेयर फेस। स्क्वेयर फेस यानी कि चौकोर चेहरा। उसी की तरह लंबे चेहरे को हम कहेंगे लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस यानी कि लंबा चेहरा। और इन्हें कहा जाता है त्रिकोणीय चेहरे वाले यानी कि ट्रायंगल फेस। ट्रायंगल फेस यानी कि त्रिकोणीय चेहरा। इसे कहते हैं उज्जवल त्वचा मीन्स लाइट कॉम्प्लेक्शन। लाइट कॉम्प्लेक्शन यानी कि उज्जवल त्वचा। उसी की तरह जो गोरे होते हैं फिर गोरे रंग वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं फेयर। फेयर यानी कि गोरा रंग रूप। उसकी तरह जो पीला रंग रूप वाला व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं पेल। पेल यानी कि पीला। अगला है गेहुआ। गेहुआ रंग यानी कि ब्रिटिश। ब्रिटिश मीन्स गेहुआ रंग वाला व्यक्ति। इन्हें कहा जाता है सावले रंग वाले यानी कि डार्क। डार्क कॉम्प्लेक्शन को कहा जाता है सावला रंग वाला। सेम तांबे जैसा रंग, जैसे कि हम धूप में जाने के बाद में हमारे बॉडी का कलर जो चेंज होता है या जो बदलता है उसे हम कहते हैं टैंड। टैंड यानी कि सूर्य किरणों से हमारे जो रंग रूप जो बदलता है या फिर हमारा जो रंग रूप चेंज होता है, थोड़ा सावला होता है, उसे हम कहते हैं टैंड। अगला है लंबा कद। लंबा कद जिसका होता है उसे हम कहते हैं टॉल। टॉल यानी कि लंबा कद वाला इंसान। और इस छोटे कद वाले इंसान को कहेंगे शॉर्ट। शॉर्ट यानी कि छोटा कद वाला इंसान। और इनके बीच आता है वो मध्यम कद वाला। मध्यम कद वाला यानी कि मीडियम। मीडियम यानी कि मध्यम कद वाला, जैसे कि वो छोटा भी नहीं होता और ज्यादा लंबा भी नहीं होता, तो उस लंबाई को कहा जाता है मीडियम। बौना। बौना यानी कि सबसे छोटा, जिन्हें हम कहते हैं वाव। वाव यानी कि बौना। नीली आंखें। नीली आंखें वालों को हम कहते हैं ब्लू आई। ब्लू आई यानी कि नीली आंखें। नेक्स्ट इज है भूरी आंखें। भूरी आंखें यानी कि ब्राउन आई। ब्राउन आई यानी कि भूरी आंखें। और काली आंखें वालों को हम कहते हैं ब्लैक आई। ब्लैक आई यानी कि काली आंखें। और जिनकी आंखें छोटी होती है उन्हें हम कहते हैं स्मॉल आई। स्मॉल आई यानी कि छोटी आंखों वाला। और
चीज की आंखें बड़ी और गोल मटोल होती है, उस बड़ी गोल आंखों को हम कहते हैं बिग राउंड आईज। बिग राउंड आई यानी कि बड़ी और गोल आंखें। चश्मा, चश्मा पहनने वालों को हम कहते हैं ग्लासेस। ग्लासेस यानी कि चश्मा। इसे कहते हैं सीधी नाक वाली व्यक्ति, जिसे कहते हैं हम स्ट्रेट नोज। स्ट्रेट नोज, जिसकी नाक जो होती है वो सीधी होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट नोज। उसी की तरह जिसकी नाक जो है वो लंबी होती है, यानी कि सीधी और लंबी होती है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग नोज। लॉन्ग नोज, कोई कोई की जो नाक होती है वो चेहरे से ज्यादा बड़ी होती है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग नोज। और छोटी नाक वाले व्यक्ति को हम कहेंगे स्मॉल नोज। स्मॉल नोज यानी कि छोटी नाक। इसी की तरह जो टेढ़ी नाक होती है उसे कहते हैं क्रूक्ड नोज। क्रूक्ड नोज यानी कि टेढ़ी मेढ़ी नाक। चपटी नाक को कहा जाता है फ्लैट नोज। फ्लैट नोज यानी कि चपटी नाक। और नेक्स्ट है नुकीली नाक, मींस पॉइंटेड नोज। पॉइंटेड नोज यानी कि नुकीली नाक। इन्हें कहा जाता है फूले हुए होंठ, मींस फुल लिप्स और पाउटी। फुल लिप्स और पाउटी यानी कि फूले हुए होंठ। तो किसी किसी के पतले होंठ होते हैं, तो पतले होंठों को हम इंग्लिश में कहेंगे थिन लिप्स। थिन लिप्स यानी कि पतले होंठ। नेक्स्ट इज लंबे बाल, जिनके बाल लंबे होते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर यानी कि लंबे बाल। और छोटे बालों को इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट हेयर। शॉर्ट हेयर यानी कि छोटे बाल। जिनके बाल कंधे लंबाई तक होते हैं, यानी कि कंधे तक जिनके बाल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं शोल्डर लेंथ हेयर। शोल्डर लेंथ हेयर यानी कि कंधे तक के बाल। इसी की तरह किसी किसी के बाल जो होते हैं वो घुंघराले होते हैं, तो घुंघराले बालों वालों को हम कहेंगे कर्ली हेयर। कर्ली हेयर यानी कि घुंघराले बाल। इस तरह के बालों को कहा जाता है नोकीले बाल, यानी कि स्पाइकी हेयर। स्पाइकी हेयर यानी कि नोकीले बाल। और जिनके बाल सीधे होते हैं उन्हें कहा जाता है स्ट्रेट हेयर। स्ट्रेट हेयर यानी कि सीधे बाल। इनके बाल है काले, तो काले बालों को हम कहेंगे डार्क हेयर। डार्क हेयर यानी कि काले बाल। इसी तरह भूरे बालों को इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉन्ड हेयर। ब्लॉन्ड हेयर यानी कि भूरे बाल। इसे हम कहते हैं लहराते बाल यानी कि वेवी हेयर। वेवी हेयर यानी कि लहराते बाल। इसे कहा जाता है गंजा, जिनके सर पे बाल नहीं होते उसे हम कहते हैं गंजा। और उसे इंग्लिश में कहते हैं बाल्ड। बाल्ड मीन्स गंजा। नेक्स्ट है काना। काना मीन्स जो व्यक्ति एक ही आंख से देख सकता है प्रॉपरली, उसे हम कहते हैं काना। और उसे इंग्लिश में कहते हैं वन आई। वन आई मीन्स काना। और जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसे हम कहते हैं गूंगा, मीन्स डम। डम मीन्स गूंगा। और बहरे को हम कहेंगे डेफ। डेफ यानी कि बहरा। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसे हम कहते हैं डेफ यानी कि बहरा। अगला है लंगड़ा। लंगड़ा मीन्स लेम। लेम लंगड़े व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं लेम। और नेक्स्ट है गोदन। गोदन पे जो स्पेशलिटी होती है यानी कि कोई कोई इंसान को उसके जो शरीर पे गोदन होता है उसे पहचाना जाता है, उस गोदन को हम कहेंगे टैटू। टैटू यानी कि गोदन। नेक्स्ट इज दाढ़ी। दाढ़ी यानी कि बियर्ड। बियर्ड दाढ़ी मीन्स बियर्ड। कोई कोई को उनके दाढ़ी के हिसाब से भी पहचानते हैं, यानी कि कोई कोई की जो दाढ़ी होती है वो उनके शरीर की विशिष्टता होती है, तो उसे हम कहते हैं बियर्ड। इसी तरह पुरुषों में मूछ रखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हें कहते हैं मुस्ताज। मुस्ताज यानी कि मूछ। नेक्स्ट इज झाइया। किसी किसी के चेहरे पर एक अलग ही तरीके की झाइया होती है, या फिर एक अलग ही तरीके के स्पॉट्स होते हैं यानी कि दाग धब्बे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं झाइया। और उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिकल्स। फ्रिकल्स यानी कि झाइया। अगला है खूबसूरत। कोई भी लड़की जो खूबसूरत होती है उसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल या प्रिटी। ब्यूटीफुल या प्रिटी। उसी की तरह जो लड़के सुंदर या आकर्षक होते हैं उन्हें हम कहते हैं हैंडसम। हैंडसम यानी कि सुंदर या आकर्षक लड़के या व्यक्ति। बदसूरत। बदसूरत को कहा जाता है अगली। अगली यानी कि बदसूरत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर।
एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।